फाइनली दोस्तों, ये रही 2023 की न्यू मॉडल बजाज पल्सर N160 का एक नया कलर, जो कि ड्यूअल चैनल ABS में कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी मिलती है, ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? इसमें सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है वो है इसके कलर में। जैसा कि ये जो स्पोर्ट्स रेड कलर है वो पहले आपको सिंगल चैनल में मिलता था, जैसा कि अब यहाँ पर आपको ये जो कलर है वो ड्यूअल चैनल ABS में भी मिलने लगा है। फ्रंट में 300 मिलीमीटर की डिस्क मिलती है, जिसमें आपको क्रेमिका के कैलिपर मिल जाते हैं, और आगे में 180/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। 17 इंच का ब्लैक कलर का एलोव्हील इसमें दिया गया है, वाइट कलर और रेड कलर के स्टिकर के साथ में। आगे वाला ये जो मडगार्ड है, इसके ऊपर में थोड़ा सा रेड, वाइट और ग्रे कलर के स्टिकर, जिसको टू पीस में डिवाइड किया गया है। और रियर में चलते हैं तो पहले इसमें आपको पीछे में ABS नहीं मिलता था, रेड कलर में यहाँ पर 230mm की डिस्क मिलती है ABS के साथ, और 130/70/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ड्यूअल टोन कलर के स्टिकर भी मिलते हैं और 70 इंच का एलॉय व्हील। और पीछे वाला ये जो टायर है वो आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ मिलता है। पीछे वाले टायर की जो मोटाई है वो आपको 130mm की मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रियर में हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और ग्लाइडर पैटर्न के साथ LED टेल लाइट मिलती है। सबसे पहले इंजन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसकी जो टेल लाइट है वो इंजन ऑन होने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है अगर आप इसको गौर से देखेंगे। पीछे में स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल मिल जाते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ, और सीट काउल के ऊपर में N160 का यहाँ पर आपको स्टिकर मिलता है सिल्वर और वाइट कलर में। ये जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक ऐसी बाइक है जो 1.5 लाख की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती हैं, 795mm की सीट हेड मिलती है, और इसके फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर में देखेंगे तो पल्सर का 3D में लोगो है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। और ये जो ग्राफिक्स हैं वो आपको मिलते हैं थोड़े से मैरून कलर के साथ, नीचे भी आपको मैरून कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको मैरून कलर, और नीचे में सिल्वर और ग्रे कलर की यहाँ पर आपको स्ट्रिप देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 14 लीटर का यहाँ पर आपको फुल मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है, जिसके आगे में USB मोबाइल चार्जिंग का यहाँ पर आपको पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप बाइक को चलाते समय मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। ये जो पार्ट है वो आपको मेटल का मिलता है, बाकी काउल आपको फाइबर के मिलते हैं। इस बाइक की जो हैंडल बार है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलती है नॉर्मल लुक के साथ। इसमें क्लिप ऑन बार टाइप की स्पोर्टी हैंडल बार नहीं मिलती है, सेमी डिजिटल कंसोल मिलता है, जिसके सेंटर में RPM मीटर, RPM लिमिट की लाइट, ABS, टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है। बाकी इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, DTE मिल जाता है, मतलब डिस्टेंस टू MT का इसमें आपको फीचर्स भी मिलता है, जो इसका पेट्रोल जितनी भी होती है उसका बैकअप दिखा देता है। बाकी सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है, और इसकी साइड में ऑयल इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट, लो बैटरी, हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर और साइड स्टैंड की वार्निंग लाइट दी गई है यहाँ पर रेड कलर में। इंजन के नीचे में हेडलाइट का बटन और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का बटन है। अब आप यहाँ से इसके साउंड को भी सुन सकते हैं। इस बाइक का जो इंजन है वो NS160 के मुकाबले काफ़ी रिफाइन है। यहाँ पर पासिंग का बटन है, जैसा कि यहाँ से आप इसके लाइट के थ्रू को भी देख सकते हैं, पासिंग, अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न, और ये जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है। साइड में आपको बार एंड भी मिल जाते हैं मेटल बॉडी के। सबसे पहले इंजन को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और अभी हम चलते हैं इसके फ्रंट हेडलाइट सेक्शन की तरफ। तो आगे भी आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पर दिया है इसका कंसोल, और यहाँ पर विंडशील मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। ऊपर में आई सेप के LED DRL मिल जाते हैं, और नीचे में वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, जिसको अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, सेपरेट आपको एक बटन मिलती है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है वो कंपनी ने पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मर जैसा प्रोवाइड किया है। 160cc की कैटेगरी में देखा जाए तो इससे बेहतरीन लुक मुझे तो किसी भी बाइक में नहीं लगता है। सबसे पहले मैं इंजन किल को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और इस बाइक के फ्रंट में आपको 37mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। और पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो खराब से खराब रोड पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर मड फ्लैप,
पीछे में बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है। इंजन की तरफ आते हैं तो ये जो सिल्वर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक बॉडी का है, मेटल का नहीं है। और ये जो फुटपैक्स और ये जो ब्रेक पैड आप देख रहे हैं ये थोड़े से पीछे की तरफ है, अंडरबेली एग्जॉस्ट भी मिल जाता है। और ये जो इंजन गार्ड आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसा कि आप इसको बीच की साइड से देख सकते हैं, जिसमें ड्यूअल टोन कलर आपको मिलेगा। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, DTSI ट्विन स्पार्क वाला इंजन है और इसमें आपको किक नहीं मिलती है और आप इसमें बाद में किक लगा भी नहीं सकते हैं, जो कंपनी का कहना है। और यहाँ पर आपको रेडिएटर कूलिंग मिल जाता है ऑयल कूल्ड सिस्टम के साथ। इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसमें 164.82 cc का ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2-वाल्व DTSI वाला इंजन दिया है। ये इंजन 16 PS की मैक्स पावर देता है 8,750 RPM पर। ये इंजन 14.65 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6,750 RPM पर। ये बाइक 124 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक चली जाती है और 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक आपको आसानी से 45 से 47 का माइलेज आसानी से निकाल कर दे देती है। 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है स्प्लिट टाइप का क्रैश गार्ड जो कि अभी इंस्टॉल नहीं है। और यहाँ पर कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड और ये आपको एल्यूमिनियम के एडजस्टेबल फुटरेस्ट। और यहाँ पर आपको टायर के प्रेशर को भी देख सकते हैं कितना कितने पॉइंट हवा रखनी है। 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है और सबसे अच्छी बात इसमें आपको टॉर्क ऑन डिमांड वाला फीचर्स मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर का फीचर्स मिलता है, इसमें आपको मेन स्टैंड भी कंपनी ने दिया है। तो बात करें बाइक के प्राइस के बारे में तो N160 ड्यूअल चैनल ABS में इस बाइक की एक्सोरूम कीमत है 1,28,374 रुपये और ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्स में 1,58,237 रुपये। और सिंगल चैनल ABS में ये बाइक आपको आराम से ऑन रोड मिल जाती है 1,53,000 के आसपास। रोल्टा बजाज बागुई हाटी कोलकाता में आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर